बीजापुर प्रत्याशी कांग्रेस से जो विक्रम मंडावी जी हैं, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और पुनः टिकट विक्रम शाह मंडावी जी को मिला है। और आप जैसा कि देख रहे हैं रात का समय है और किस तरह से जनता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता से मिलने से, क्योंकि बीच में साहब का भी एक्सीडेंट भी हुआ था, थोड़ा सा हाथ भी डैमेज हुआ था, उसके बावजूद फिर जब दोबारा ये स्वस्थ होकर के आए तो जनता से जो है रूबरू होने का काम इन्होंने जो है लगातार किया। देख सकते हैं बीजापुर जैसे क्षेत्र में रात में बिल्कुल किस तरह संवाद करते हुए जनता से, देखें कितनी भीड़ यहाँ पर जो है, लोग सुनना चाहते हैं अपने नेता को और समझना चाहते हैं। बहरहाल इसी के बीच में हम कुछ संवाद करेंगे विक्रम साहब से, आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं एक बार दोबारा जो है पार्टी ने आपको फिर से लगातार मैं दोबारा कांग्रेस पार्टी से बीजापुर विधानसभा से उम्मीदवार बनने के बाद जनता के बीच में जा रहा हूं, हर पोलिंग बूथ गांव गांव में घूम रहा हूं और जिस तरीके से लोगों का प्यार और जन समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, तो मैं इससे कह सकता हूँ कि हम भारी मतों के साथ में बीजापुर विधानसभा जीतेंगे। लंबे समय पर समय तक आपका स्वास्थ्य को लेकर के अवकाश रहा, जिस प्रकार से बाइक से जो है आप गिरे हुए थे, कहीं किसी गांव से आ रहे थे, उसके बाद बड़े ऊर्जा से आकर के अपना काम शुरू कर दिया आपने क्षेत्र में? नहीं, लगातार मैं जनता के साथ संसद संपर्क में रहा हूं। कुछ दिनों के लिए एक्सीडेंट होने के बाद में मैं एडमिट था, लेकिन वहाँ से आने के बाद लगातार जनता से मिलकर, कार्यकर्ताओं से मिलकर से फिर से प्रचार शुरू किया हूँ, जनता का समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। मैं आज कुछ लोगों से मैं रूबरू भी हुआ हूँ, मार्ग को लेकर के लोग जो है चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मार्ग का निर्माण हो, सड़कों को लेकर के लोग बहुत लोग जो है चाह रहे हैं कि सड़क जो है उनके क्षेत्र में। नहीं बिल्कुल, बीजापुर एक संवेदनशील जिला है, पहले की अपेक्षा बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर काम करना अपने आप में चुनौती है, लेकिन हमने पिछले 5 साल में ऐसे बहुत सारे गाँव को नेटवर्क से सड़क से जोड़ा है, जहाँ जहाँ भी मान रहा है वहाँ जोड़ा है, कुछ जगह बचे हैं उसको आने वाला समय उसको पूरा करेंगे। तो ये कई बजे तक जनता से संवाद चल रहा है, अभी तो रात हो चुकी है? नहीं, लगातार 9 से 9:30 बजे तक चल रहा है, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक 10 बजे तक संपर्क चल रहा है और सभी जगह पहुँचने का हमारा प्रयास हो रहा है, हमने सभी जगह पहुँच चुके हैं, फिर से एक बार पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखें फिर से एक बार जनता के बीच में पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इतनी रात्रि में मैं एक बार और कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है विक्रम साहब को सुनने के लिए, तो कहा जा सकता है कि क्षेत्र की जो जनता है पुनः अपने प्यार को इनके साथ में, ये मैंने जैसा कि संवाद किया कि पुनः जो क्षेत्र के लोग हैं वो विक्रम साहब के साथ में खड़े होते नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। बहरहाल जनता का जनादेश सभी के लिए माननीय होगा और आगे आने वाले समय में जनता जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी छत्तीसगढ़ प्रदेश में अहम भूमिका निभाएगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बीजापुर।